अगर आप लोगों ने मिराज मूवी देखी तो आपको लगेगा कि उस मूवी का कॉन्सेप्ट इस मूवी में पेल दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं द कॉल मूवी के बारे में। ये एक कोरियन मूवी है, इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और तकरीबन इसकी लेंथ 2 घंटे है। और एक खुशखबरी की बात बताऊं, यह आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगी। इस मूवी को राइट और डायरेक्ट एक ही इंसान ने किया है, चुंग ह्यू ली ने, आई थिंक मैंने उनका नाम सही से लिया है। अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कहानी पर जाने से पहले जिसका भी मैं नाम लेने वाला हूँ, क्योंकि यार ये थोड़े से जो कोरियन नेम होते हैं ना, हमारी जो टंग होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो उनकी आदत होती है, तो अलग अलग से नाम हो सकते हैं, मेरे शायद प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं, तो माइंड मत करना। तो एक लड़की का नाम है श्यो ह्यून, मैंने फिर से यार, तो ये श्यो ह्यून एक घर में जाती है जो उसके पिता ने कभी लिया था, बहुत पुराना घर होता है। अब इसके पिता जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो जब ये घर में जाती है तो उसको वहां पे एक पुराना फोन मिलता है और उस फोन पे किसी का फोन आता है। जब उससे वो बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये फोन जो है वो अभी जो श्यो ह्यून है वो 2020 में रह रही है, यानी प्रेजेंट में रह रही है, और जो ये उसको फोन आ रहा है वो 1999 से आ रहा है, 1999 से ईस्वी से कोई कॉल कर रहा है, और जो उसी घर में रह रहा है, सेम उसी घर में रह रहा है, मतलब कि समझो प्रेजेंट में श्यो ह्यून है और जो पास्ट में है योंग शुक है, जो ये लड़की है ये भी एक लड़की है, तो ये दोनों जो है वो एक तरीके से इस फोन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली इस मूवी का नाम ही द कॉल है, तो कैसे ना कैसे फोन से तो कनेक्ट करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई है तो ये वीडियो है दोबारा से देख लेना। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया कि वो फोन से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या फिर मतलब जो भी चीजें इसमें दिखाई है, तुम इसे कुछ भी मान सकते हो, मान सकते हो कि ये भूतिया था, या फिर कुछ और भी रीजन मान सकते हो, मतलब तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी मतलब रीजन नहीं दिया गया। अगर आप मिराज मूवी की बात करते हो तो उस मूवी में बकायदा ये जो 2 डायमेंशन होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट का एक दूसरे से कनेक्ट होना, जैसे वो वीडियो के थ्रू उसको देख पा रही थी, मैं उस मूवी के बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं, बट सेम कॉन्सेप्ट है लगभग। तो उसमें जैसे दिखाया गया था एक डायमेंशन खुलता है, वो कैसे खुलता है, तो उसका एक थोड़ा बहुत आपको रीजन देकर सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके अंदर वो सब चीजें नहीं दिखाई गई। अब वापस बात कर लेते हैं कहानी की। तो योंग शुक जो है वो पास्ट में है, श्यो ह्यून उसे कहती है कि उसके पिता की डेथ पास्ट में हो गई थी, तो जो वाक्य जो बताती है कि कैसे उसके पिता की डेथ हुई थी, तो ये जाती है और उसे उस हादसे को टाल देती है। योंग शुक जाती है, पास्ट में होती है, तो वो जाती है उसके हादसे उस हादसे को डाल देती है जिससे श्यो ह्यून के पिता की जो डेथ हुई थी, और वो वापस से वो जीवित हो जाते हैं प्रेजेंट के अंदर। अब देखो यार, इस चीज में थोड़ा सा मुझे डाउट सा लगा, लॉजिक जो ना मिला मुझे। एक तो सबसे चलो ठीक है, ये सब चीजें जो दिखाई गई कहीं ना कहीं हमने वो एक्सेप्ट कर ली, बट एक जो मेन चीज मुझे इसमें परेशान की वो ये कि जैसे ही उसके पिता जो है श्यो ह्यून के जो पिता है वो जीवित होते हैं, तो श्यो ह्यून को कैसे याद रह जाता है कि वो उसके पिता हैं, वो कैसे मरे, मतलब उसकी याददाश्त के ऊपर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता, और बाकी सबकी याददाश्त ऐसे लगती है कि वो श्यो ह्यून शुरू से थी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक इसमें नहीं दिखाया गया, मतलब थोड़ा रीजन नहीं दिया गया, थोड़ा सा अटपटा यहां पर लगा। अगर इस मूवी के सबसे फेवरेट पार्ट की बात करूं तो मुझे वो वाले सीन काफी ज्यादा पसंद आए, जैसे ही पास्ट के अंदर कुछ भी चेंज होता था उसका अफेक्ट प्रेजेंट के अंदर तुरंत पड़ता था, और जैसे इसके अंदर ग्राफिक्स दिखाए गए, जो VFX का जो यूज किया गया वो यार कमाल का है, वो देखते ही मतलब ऐसे इंटरेस्ट सा क्रिएट होने लगता है। अब वो शायद मैं आप लोगों को अपने शब्दों में ना बताऊं, लेकिन जब आप ये मूवी देखोगे तब आप वो चीज फील करोगे। बट एक एडवाइस देने का मेरा फर्ज बनता है, वो ये कि यार देखो यार इसमें लॉजिक मत यूज करना। मैंने भी कोशिश की थी बट बाद में मैंने उसे भी त्याग दिया था, क्योंकि यार अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो बिना लॉजिक के ही ये मूवी एंजॉय हो पाएगी। श्यो ह्यून अब जब उसके पिता वापस जीवित हो जाते हैं, तो इस खुशी में वो योंग शुक को बताती है कि उसकी माँ जो है उसे मारने वाली है, क्योंकि वो प्रेजेंट में है, तो उसको सब कुछ न्यूज जो है वगैरह वो इंटरनेट पे पढ़कर बता देती है कि उसकी माँ उसे कैसे मारने वाली है, तो योंग सुक की वो वहां पे जान बचा लेती है। अब जैसे ही योंग सुक की जान बचती है पास्ट में जैसे उसकी जान बचती है, तो प्रेजेंट में जो इफेक्ट पड़ते हैं श्यो ह्यून की लाइफ में इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं, वो क्या इफेक्ट होते हैं और यार इतने भयानक होते हैं। अब कहीं ना कहीं लगा यार उसको अब देखो यार मैं बोलना नहीं चाहता, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जो भी चीजें हैं, जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, वो देखो आप लोगों को तो तभी पता चलेगी जब आप लोग ये मूवी देखोगे। अगर इस मूवी का सबसे फेवरेट करेक्टर की बात करूं तो मुझे वो लगा योंग सुक का, वो इतना कमाल का करेक्टर था, एक पल तो उस पर दया आती है, एक पल ऐसा होता है कि यार इससे मतलब डर लगने लग जाता है, ये कमाल की चीज थी। और एक और दूसरी चीज जो मुझे इसके अंदर पसंद नहीं आई वो ये थी कि जब दोनों लड़कियों को पता चलता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक दूसरे से वो बात कर पा रही हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन था वो कहीं ना कहीं हमें फीका सा लगता है, कि जैसे उनको लगे कि हाँ यार ठीक है नॉर्मल सी चीज है, वो थोड़ा सा मुझे यार डिसअपॉइंटेड किया ये चीज। बट शायद ये भी हो सकता है कि मूवी जो वो 2 घंटे की थी तो इसके मेकर्स ने उस चीज को स्किप करने की कोशिश की, बट मेरे हिसाब से यार वो चीज
चीजें थोड़ी बहुत डाल देनी चाहिए थी ताकि हम उस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाते। ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है। अगर इसकी हिंदी डबिंग की बात करूं तो देखो काफी टाइम से जो हिंदी डबिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, हमें एक अच्छी डबिंग देखने को मतलब देखने को या सुनने को मिल जाती है। इसमें कोई भी बॉलीवुड का रेफरेंस या फिर बॉलीवुड के गाने डायलॉग वो सब हमें सुनने को नहीं मिलते, जो एक काफी अच्छी चीज है। हाँ रिलैक्स सा फील करते हैं कि यार वो बकायदा वो टपोरी लैंग्वेज हमें सुनने को मिल जाती थी, वो इरिटेटिंग चीजें वो अब इसमें अब मतलब आनी बंद सी हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा जो इसमें थोड़े बहुत VFX यूज किए गए, जितनी भी इसकी ग्राफिक्स थी वो कमाल की थी, बहुत अच्छी थी जैसे जैसे इसके अंदर चीजें दिखाई गई थी। हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो मिराज मूवी का इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे काफी ज्यादा डिफरेंट भी ये मूवी है, बस थोड़ा बहुत आपको रिलेट कर पाओगे जैसे मुझे याद आ गई थी क्योंकि मैंने मिराज मूवी देखी हुई थी। खैर मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो मैं यही कहूंगा कि यार हाँ आप इसे देख सकते हो, काफी इंजॉय करोगे, बट लॉजिक यूज मत करना। और बाकी अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।